Hello everyone, you are watching your Practical Public Speaking Mentor Sandeep Budgal, and in this video I'm gonna tell you what are the ways and what are the types of sentences in present. तो आज हम बात करेंगे present में किस किस तरह से sentences हम बोल सकते हैं, उन्हें बना सकते हैं और किस तरह से practice कर सकते हैं. तो आज आइए बात करते हैं. सबसे पहले फिर से एक बार आपको revision भी कराते हैं इस session के अंदर. तो सबसे पहले हमारे पास positive, जिसे हम simple बोल सकते हैं, और जो भी हमने कल भी बताया था आपको कि पॉजिटिव उम्मीद है कि आपने प्रैक्टिस की होगी उसके अंदर. आई वर्क, वी लाइक, यू डू, दे हैव, ही वर्क्स, शी लाइक्स एंड इट डज, आपने प्रैक्टिस की होगी. नेगेटिव में चलते हैं. यहां पर हम बात करते हैं नेगेटिव में. आई, वी, यू, दे, यहां पर हम यूज कर रहे हैं डू नॉट. डू नॉट को कॉन्ट्रेक्शन हमारा बनता है डोंट, और साथ में आप अपने साथ एक्शन लगा सकते हैं. ये सब एक्शन है, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आप एक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ पर आप he, she, it, does not बोलते doesn't, he doesn't, she doesn't. ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आपने प्रैक्टिस की होगी इस तरह से. आज हम करने वाले हैं interrogative. What does it mean interrogative? Interrogative का मतलब होता है कि सवाल करना. सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम बच्चों को क्या होती है. अक्सर बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि भाई हम क्वेश्चन क्या करें. उन्हें पता है कि जवाब तो देना जानते हैं वो, लेकिन प्रॉब्लम यही आता है कि भाई अगर सामने वाले से क्वेश्चन करना है तो वो क्वेश्चन क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए. तो सबसे पहले आप छोटे छोटे क्वेश्चंस कीजिए सामने वाले से. और आज हम क्वेश्चन में हम फॉर्मेट में बात करेंगे इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव. ये दो सेशंस आज हमारे मेन है जिनमें हम बात करने वाले. और जो प्रीवियस लेसन में प्रीवियस वीडियोज में मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे प्रैक्टिस करनी है. तो आइए चलते हैं इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव पर, सीखते हैं कैसे बनाना है और कैसे करना है. तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि आई, वी, यू, दे, यहाँ पर हमें यूज करना है हेल्पिंग वर्ब डू. डन. डू आई वर्क, यहाँ पे फिर से आपको एक्शन मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का सहारा लेना है. डू आई वर्क, डू वी वर्क, डू यू वर्क, डू दे वर्क, मतलब कोशिश ये करनी क्या मैं काम करता हूँ. डू आई वर्क, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ, सामने वाले से पूछ सकते हैं क्या बताइए मैं इंग्लिश बोलता हूँ. डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या हम यहाँ डेली आते हैं, डू वी कम हियर डेली, क्या तुम इंग्लिश सीखते हो, डू यू लर्न इंग्लिश, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, डू दे प्ले क्रिकेट डेली. इस तरह से आप आई, वी, यू, दे, इन इन सब्जेक्ट के साथ आप कोशिश कीजिएगा 10-10 सेंटेंसेस क्वेश्चंस बनाने की. और आप सामने वाले से क्वेश्चन कीजिएगा कि भाई मैं क्वेश्चन करूँगा, आप मुझे रिप्लाई करके आंसर दें. जब आप किसी के साथ प्रैक्टिस करेंगे कि भी आपने पूछा, कोशिश करें आप यू को लेकर ज्यादा बातचीत करें. आपने पूछा डू यू, डू यू गो टू स्कूल, आपने किसे पूछा डू यू गो टू स्कूल, अगर वो ये जाता है तो वो बोलेगा यस आई डू, अगर वो नहीं जाता तो बोलेगा नो आई डू. आप ये स्मार्ट आंसर अपने दिमाग में रखिए. Do you go to school? अगर वो जाता है तो बोलेगा yes I do, अगर नहीं जाता तो no I don't. Do you live in Delhi? अगर रहते तो आप बोलेगा yes I do, और नहीं रहते तो आप बोलेगा no I don't. This is again a short formula to reply कि question का इस case में reply कैसे करना है. अब बात करते हैं आगे singular पर. Does he know you? Yes he does. नहीं जानता तो बोलेगा he doesn't. No he doesn't. आप practice कीजिएगा फिर से does के साथ भी. He, she, यहाँ पे भी आप 10-10 sentences questions बनाइए, practice कीजिए अपने partner के साथ. अब चलते हैं आगे की तरफ interrogative negative. Interrogative negative का formula देखते हैं यहाँ पर क्या हमारे पास. Do, I, we, you, they, same देखिए आप यहाँ पर same आ रहा है. साथ में केवल आपको यहाँ पर not लगाना है. Do I not? Do we not? Do you not? Do they not? आगे सिंपल आप इस तरह से एक्शंस लगा के फिर आगे चल सकते हैं. एक छोटा सा मैं बताना चाहूंगा, जैसे आप ये डू यू नॉट आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप शॉर्टकट में अगर इस नॉट को यहां नहीं लगाना चाहते हैं तो आप सीधे सीधे बोल दीजिए डोंट. डोंट यू वर्क, डोंट यू नो मी, डोंट यू स्टडी, डोंट यू अटेंड योर क्लासेस. इन स्पोकन आप कॉन्ट्रैक्शन बना के डोंट को इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं. अगर नॉट आपको इंडिविजुअल यूज करना है तो आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं डू यू नॉट, और एक साथ यूज करना है तो आपको बोलना है डोंट यू. फॉर एग्जाम्पल डोंट यू लाइक ट्रैवलिंग, डोंट यू लाइक इंग्लिश, डोंट यू लाइक ऑपरेटिंग कंप्यूटर,
डोंट यू लाइक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, इस तरह के तमाम सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं. डोंट दे प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलते. तो आप कोशिश करते रहिए, अपने पार्टनर के साथ बात करती रहिए, वो आपको रिप्लाई करता रहेगा, फिर आप उससे कहिएगा, वो आपसे क्वेश्चन करेगा, आप उसे रिप्लाई कीजिएगा. दैट इज द ओनली वे टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स. दैट इज द ओनली वे विच आई एम टेलिंग यू, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव आवर स्किल्स एज वेल. बात करते हैं डज के साथ भी. डज में भी आप यही इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डज ही नॉट गो टू कॉलेज. अगर आपको इसको भी कॉन्ट्रैक्शन में बात करनी है तो इस नॉट को आप डज के साथ यहां पर लगा दीजिए, इस तरह से लगा दीजिए. डजंट ही, जब आप डजंट यहां पर ऑलरेडी लगा देंगे तो नॉट आपको वहां नहीं लगाना. फॉर एग्जाम्पल, डजंट ही टेक टी, डजंट ही गो फॉर मॉर्निंग वॉक, डजंट ही टेक इंग्लिश क्लासेस. ऐसे शी के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. डजंट शी स्पीक इंग्लिश, डजंट शी टेक रेस्ट. एंड नाउ जो आपके साथ होगा वो आपको रिप्लाई करेगा. अगर वो रेस्ट करती है, यस शी डज, नहीं करती, नो शी डजंट. सो दिस इज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस फॉर इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव. होपफुली आपने समझा होगा. मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ. यू पीपल हैव टू कीप इट ऑल दी पॉइंट्स इन योर माइंड. द पॉइंट इज रिमेंबर रखना है आपको. यहाँ पर एक बार फिर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ आपको. आई, वी, यू, दे, हमेशा एक्शन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आप इस्तेमाल करें. आई कम, वी कम, यू कम, दे कम. सेंटेंसेस बनाए, बोलें, किसी के साथ बातचीत करें, और टारगेट हमेशा बनाएं. जब भी जैसे आई लिया, आई पे 10 बनाए, वी लिया 10 सेंटेंसेस, यू 10 सेंटेंसेस, दे 10 सेंटेंसेस, एंड गो विद दैट. साथ में आप देते रहिए रीजंस. रीजन देना बहुत जरूरी है. अगर आप रीजन देंगे तो ज्यादा आप बोल पाएंगे. जितना आप बोलेंगे उतना आप सीखेंगे. क्योंकि मैं मानता हूँ द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश इज टू स्पीक इट, एंड स्पीक एज मच एज यू कैन. जितना आप बोल सकते हैं बोलने की कोशिश कीजिएगा. यहाँ पर अगर सिंपल में बात करते हैं, इस सिंपल में अगर हम बात करते हैं, ही, शी, इट, इनके साथ एक्शन और इनके साथ हमें एस ओ एस लगाना है. अगेन यहाँ पर 10-10 का टारगेट बना लीजिए, 10-10 का टारगेट बना लीजिए. ही और शी, फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू द मार्केट. अब इसमें रीजन्स, बच्चे कहते हैं रीजन्स क्या हैं, मैं आपको बताता हूँ रीजन्स कैसे देते हैं. बच्चे कहते हैं रीजन नहीं आते हैं मेरे. मैं कहता हूँ ही गोज टू द मार्केट. आप कौन सी मार्केट में जा रहे हैं वहां पे बता दीजिए वो क्यों जा रहे हैं. ही गोज टू द मार्केट, एंड ही स्पेशली गोज टू द सरोजिनी नगर मार्केट, विच इज वेरी फेमस फॉर शॉपिंग, वेयर, जहां एवरीबडी कम्स टू बाय क्लॉथ्स एंड फैशनेबल क्लॉथ्स. आई मीन, अब आपने किससे जोड़ दिया, फैशनेबल क्लॉथ. अब टॉक अबाउट फैशनेबल क्लॉथ. Fashionable cloth, it means they are in demand. Everybody wants himself or herself to be different. If we have the different image, people will come to us, they will respect us. It means your dressing sense makes your personality. Ab aapne kisse jod diya, personality se. Ab personality ke bare mein bolna shuru kar dijiye. Personality is what? How you represent yourself and how you look. How you look, it matters a lot. So this is something which is again important. Matlab is tarah se aap एक पॉइंट को अगले पॉइंट, अगले पॉइंट को अगले पॉइंट, अगले पॉइंट को अगले पॉइंट, इस तरह से आप पॉइंट वाइज आप जोड़ते रहिए. आपको खुद नहीं पता चलेगा आप कितना कितना बोलना शुरू कर देंगे. तो यहाँ पर इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस के ऊपर रीजंस देना ना भूलें. जितने रीजंस आपके ज़्यादा बड़े होंगे उतनी ही जीत आपकी होगी, उतनी ही जल्दी आप इंग्लिश बोल पाएंगे और सीख पाएंगे. बात करते हैं नेगेटिव में. लेट्स मूव ऑन टू द नेगेटिव पार्ट. दिस इज द नेगेटिव पार्ट वी हैव. आई, यू, दे, वी, हम इसके साथ इस्तेमाल करेंगे डोंट, और साथ में हम यूज करेंगे अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. बात करते हैं यहाँ पर सिंगुलर में. जैसे अगर हम यहाँ पे भी 10-10 का सेंटेंस का टारगेट कर लिया, 10-10 सेंटेंसेस का टारगेट करिए. आई डोंट रीड द हिंदी न्यूज़पेपर. आई डोंट रीड द हिंदी न्यूज़पेपर. मैं हिंदी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता. आई डोंट रीड द हिंदी न्यूज़पेपर. आई डोंट वॉच English movies. I don't play cricket. I don't go to college. I don't take exercise. Something like that. आप एक भी इस तरीके के sentences आप बोल सकते हैं, बना सकते हैं. You don't come here. You don't operate your laptop. You don't use your phone. They don't know me. They don't utilize their time. They don't speak to their friends in English. We don't come here, we don't read the newspaper, we don't use our laptops. जितना भी आप बोलना चाहते हैं साथ में रीजन जरूर दीजिएगा.
For example, we don't use a laptop because we don't have time to go with this. We have smartphones in our hands whenever we need anything. So we use our emails and everything in our smartphone only. He, she, साथ में doesn't use करना. Again, he doesn't know me. Maybe he is new in Delhi. So she doesn't come here because she has some family problem. So after some time she will start coming. I mean, you people have to imagine yourself. आपको imagine करनी है. Reason का मतलब है उस situation को imagine कर रहे हैं वो क्या हो सकती है और उसमें आगे कैसे बोलना है. बस इतना ही मैं आपको बताना चाहूँगा. Practice करते रहिएगा simple negative. और जो आज मैंने interrogative सिखाया इसको भी देखते हैं हम. Do, I, we, you, they. And now first form of verb. Does he, she, it, name. Again first form of verb. Do you come here? Do you help beggars? Do you make money? Do you work in factories? Do you work in BPO industry? आप पूछिए इस तरह से तमाम sentences. यहाँ पर भी target करिए. कोशिश कीजिए I को skip कर दीजिए. आप कोशिश कीजिए you के साथ ज़्यादा बोलने की. यहाँ पर you के साथ मैं आपको 20 sentences का target दे रहा हूँ. 20 sentences बोलिए. Do you work in factories? Do you read the newspaper? Do you utilize your time? Do you come here by car? इस तरह तमाम sentences अपने partner से पूछिए वो आपको reply करेगा. As a singular, but does he know you? Does he help beggars? Does he work in BPO industry? Does he take English classes? Does he take computer classes? Something like that. Again, she will have questions कीजिएगा. He or she पर भी आप 10 दिन का टारगेट बना लीजिए कि 10 दिन क्वेश्चंस करने हैं पार्टनर से. अब किसी को अगर आप नेगेटिव में जान डालना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं डू आई वी यू दे अगेन साथ में हमारे पास है नॉट. इस डू नॉट को या तो आप बोल दीजिए डू यू नॉट या मैंने आपको पहले भी आपको बताया कि इस नॉट को आप यहां पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. आप बोल सकते हैं डोंट यू नो मी. डोंट यू यूटिलाइज योर टाइम. डोंट यू अटेंड योर क्लासेस. यहां पर ऐसे ही डज के साथ भी नॉट यहां पर आप कॉन्ट्रैक्शन में लिख सकते हैं doesn't he come here regularly? Doesn't he speak English? Doesn't he take rest properly? Something like that. आप questions कीजिए सामने वाले से वो आपको reply कीजिएगा वो आपको reply करेगा. And so keep watching my the video and get in touch with me always. And I'm here always with you 24/7 that you can drop me the messages and text. I'll be with you. I'll get back to you with some new videos and lessons. So keep watching our videos. Take care of yourself. Bye for now.